नमस्कार, स्वागत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ तहसीन फातिमा। टोहाना में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए 30 सितंबर को पानीपत में कांग्रेस पोल खोल और हल्ला बोल रैली का आयोजन कर रही है। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि रैली में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर शिरकत करेंगे। इस पूर्व बता दें आपको, बबली ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाई और देवेंद्र बबली ने कहा है कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश विकास की ओर से पिछड़ गया है। जो व्यापारी अपने प्रदेश के विकास में सहयोग देता था, आज वही व्यापारी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जो समस्याएं पिछले 50-60 साल से तोहाना अलगाववासी भुगत रहे थे, उनको एज इट इज उन समस्याओं से, चाहे पानी के निकास की बात ले लीजिए, शहर में नशे की बात ले लीजिए, बहन बेटियों को रेप करे सो देख लीजिए, जो पहले महिलाओं की सुरक्षा थी, आज अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, लगभग पिछले साल या उनसे पिछले 2 या 3 साल की बात करें तो जो रेप के आंकड़े हैं वो लगभग डबल हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी की सरकार ने दिया, बीजेपी पार्टी ने दिया, लेकिन आज ना बेटी कहीं सुरक्षित है। अब जब बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो माँ बाप उसको पढ़ाएंगे कैसे। खबर इंद्री से है। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर से यमुना में पानी का लेवल बढ़ गया है, जिसके कारण यमुना से सटे आसपास के गांव में इसका असर देखने को मिला। तो वहीं करनाल के इंद्री कस्बे के करीब आधा दर्जन गांव में पानी ने दस्तक दी, जिसको किसानों का कहना है कि गन्ने की फसल में काफी नुकसान हुआ है। साथ ही बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कों और खेतों में भारी जल भराव हो गया है। करीब पानी छोड़ा जाने से हथनी कुंड बैराज से हमारी जीरी खराब होगी, गन्ना खराब हो गया, बाजरा ये ज्वार खराब होगी डंगरों के लिए, गन्ने में काफ़ी नुकसान है। जैसे कि किसी ने फसल सब्जी वगैरह लगाई थी, मूली लगाई थी, वो भी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। 50,000 तक के बीच में जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई की जाए, ताकि हम आगामी में जो हम गेहूँ की फसल लगाते हैं, आलू की या और अपनी चारे की फसल लगाते हैं उसको लगा सकें और अपना। तो हांसी के गांव घिराए में चल रहे एक गुरुकुल में दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ गुरुकुल के संचालक महाराज कृष्णानंद के जरिए अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जिसमें उक्त छात्राओं ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि महाराज उनके साथ काफी दिनों से ऐसी हरकत कर रहा है, जिसके साथ में गुरुकुल की प्रिंसिपल भी मिली हुई है। इस मामले में SP नरेंद्र कादियान ने कहा है कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, कृष्णानंद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मेरे पास तो कोई बुढ़िया फोन गया था, गुरुकुल में इस तरीके मैं ले मेरे से बात करी थी, मेरी आंटी से मेरी बात कराया था, तो मैंने घर का नंबर दे के उसकी आंटी से बात कराई, तो फिर उस गुड़िया ने अपने मैडम तक सारी बात बताई, तो सवेरे आएगा हमने फिर उस महाराज से बात करी, जो महाराज था शासन साला, वो बोले भाई मेरे पर गलती होगी, इस बात को यहाँ दबा दो और ये लड़कियाँ भविष्य खराब हो जाएगी। कमेटी ने कोई ठोस निर्णय लिया नहीं, इसलिए हमने फैसला कर लिया इसको सजा दिलाएगा ही दंड। कितना टाइम से ये घटनाक्रम कर ये तो 2-3 साल से चल रही है, लेकिन पता हमने कल पता, हमने तो इस पर पता करते ही ऑब्जेक्शन ले लिया। लगभग कितनी लड़कियाँ होगी? लड़की तो वहाँ कम से कम 70 लड़कियाँ जो छात्रावास में रहो, अप डाउन करती हैं वहीं, तो मैं 70-100-200 लड़की हैं वहीं तो चली जाती हैं, जो छात्रावास में रहती है उनके साथ ये ऐसी ले हरकत करता है। थैंक यू। पता चला गांव में भाई गुरुकुल में लड़कियों से छेड़खानी, उनके विवाह कह रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, विवाह को हमारी लड़कियों के साथ छेड़खानी करी है, महाराज जी ने उड़ जाके पता करा तो लड़कियाँ खुद ही हमारे साथ छेड़खानी करी है, तो 10-12 लड़कियाँ थी, 10-12 ने आके फिर यहाँ से ऐसे थाने में रिपोर्ट कर दी, ऐसे तो साहब आएगी और साथ में लड़कियाँ ने बिठाया गया गुरुकुल के जो महाराज जी थे कृष्णानंद, उनके आके बयान करवा दिए, महाराज जी को अरेस्ट कर लिया। आगे बढ़ेंगे घरौंडा की, इस बीच बात करते हैं। घरौंडा में आसमान से बरसे पानी ने बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल इस महीने में हुई बारिश ने जुलाई और अगस्त महीनों में हुई बरसात के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रिकॉर्ड 160 mm से अधिक बारिश घरौंडा क्षेत्र में हुई है और बारिश से मौसम की गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए बरसात आफत बनकर बरसी है। खेतों में हुए जलभराव और फसल के गिरने से धान की पैदावार में 35 से 40% नुकसान की आशंका जताई है। बारिश की फसल सारी बर्बाद हो गई, वो 15 से 20 दिन है, ये पड़गी सारी दो मोटे में पानी खड़े हो गया, 11-21 के पास पड़गी अपना मेहनत दिख रहा अना मंडी में पूछ रहे हैं घर ही नेरी बड़ी घर बस नहीं है ना को लाग दिए थे। बारिश का तो ज़्यादा असर है जी। कितनी बारिश हो रही है? बारिश होता सब पानी भर गया खेतों में, लौट के सब जो शिमलो नहीं सही आज लौट के। कौन कौन सी फसल खराब हुई है? 1500 खराब हो गई जो पक्की खड़ी थी और जो 11-21 है वो तो लौट गई, अभी नहीं खड़ी थी अभी लौट गई, एक गिर गया सब। अभी तक जो बारिश के हमारे आंकड़े हैं, जो हमारा यहाँ गोरंडा में सेंटर है एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पर हमारे अगस्त और पिछले जो हमारा जुलाई का था और अब सितंबर महीने है, तो तीनों में हमारे कुल मिला गए सितंबर में 158 mm बारिश हो चुकी है। और ये हमारा जो पिछले सालों का, हम पिछले 4-5 सालों का जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो इसमें हमारा सितंबर का जो डाटा है 2013 में एक ज़्यादा बारिश हुई है लगभग 140 mm के आसपास, अब की बार 157 mm है। तो पिछले कुछ सालों में फ्रीक्वेंसी है जो बारिश की वो सितंबर के महीने में बढ़ी है। उधर भिवानी CIA पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी इनामी बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी धर्म बहन के प्रेम विवाह करने पर उसके पति को 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी को कोई मलाल नहीं बल्कि हत्या करने पर गर्व है। पुलिस इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। आरा को लोहारू थाना में सुरेश निवासी जाजड़ा ने एक शिकायत दी थी कि वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो नाते में उनका भांजा लगता है, वह उसकी लड़की को भगा के ले गया है और इस संबंध में वहाँ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और साथ ही उसने ये बताया कि भाई उसी वीरेंद्र, अभी जो वीरेंद्र लड़की को भगा के ले गया था, उसका किसी ने जो है ना मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसकी लाश को राजस्थान में फेंक दिया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी के हमीरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें सांप्रदायिक कहा और साथ ही कांग्रेस के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर भी चोरों का साथ देने का आरोप डाला। वही रफेल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मोदी पर सवालिया निशान लगाने के जवाब में साध्वी ने कहा है कि राहुल के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वे कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी लोगों को बैंक से पैसे दिलवाते रहे, अब पीएम मोदी उनका खुलासा कर उनकी जमीनें कुड़की कर रहे हैं। वही राहुल गांधी के 2 दिन बाद चित्रकूट आगमन पर साध्वी जी ने कहा है कि अगर बीजेपी मंदिर की बात करे तो वो सांप्रदायिक हो जाती है, वहीं अगर वो राजनीति वंश मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो अब बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 के महागठबंधन पर मोदी के आगे सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी को पता नहीं चल रहा कि कौन सा आरोप लगाएं, क्योंकि कोई उनको ढूंढे, भ्रष्टाचार मिल नहीं रहा। जिनकी चौकीदारी में चोरियां होती रहीं, 10 साल तक बैंकें लूटती रहीं, पूंजीपतियों को जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे उनको बैंकों का लोन देता दिया गया, तब कहां थे? मैं ये कह सकती हूं कि राहुल गांधी जी अपने चौकीदार के कमियां, अपने चौकीदार के समय की चोरियां हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। मैं ये कह सकती हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री पर गर्व करती हूं कि चोरियां उनके समय पर हुई, हमारे प्रधानमंत्री उनको खोल रहे हैं और उनकी जमीनें, उनकी संपत्ति को खुड़ किया जा रहा है। आगरा में
टोरेंट पावर के खिलाफ भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल टोरेंट पावर एक निजी कंपनी है जो आगरा में बिजली की सप्लाई करती है और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी उपभोक्ता का शोषण कर रही है। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत से फर्जी बिजली चोरी के केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। जी ऐसा है, ये प्रदर्शन टोरेंटो जो लाइट की जो कंपनी है उसके लिए कर रहे हैं। क्या मांगे, क्या दिक्कत है लोगों? भाई मांगे हमारी ये नहीं है, हमारा समाज एक गरीब तबके का समाज है। इस टोरेंटो ने इस आगरे में हाहाकार मचा रखा है। 2005 में विद्युत जो अधिनियम है जो पारित हुआ उसके हिसाब से कोई काम नहीं करती है। 2600 रुपये नाजायज ये बिल के नाम पे ऐंठती है। जो 250 रुपये का बिल है उसको 2-2 हजार का करके बेचती है। जहाँ एक लाइट एक पंखा चल रहा है वहाँ पे 2-2 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। ये गरीब समाज है हमारा। अब आप ये ना बताइए 2-2 हजार के बिल कहाँ से भरेंगे? मजदूर मर गए, खाने को नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये मामला भी आगरा का है जहाँ गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करीब 1 लाख डस्टबिन बांटने के लिए आगरा नगर निगम को दी थी ताकि शहर साफ रहे। ये डस्टबिन आगरा शहर के लोगों को मुफ्त में ही बांटी जानी थी, पर गेल ने प्रशासन को शिकायत की है कि जो 1 लाख डस्टबिन बांटने के लिए दी गई थी उसमें धांधली हुई है और उनको बांटा नहीं गया। शिकायत के बाद प्रशासन की नींद हराम हो गई और आनंद फानन में 3 अधिकारियों की टीम बना दी गई जो इस धांधली की जाँच कर रही है। तो नहीं, अभी गेल इंडिया के संज्ञान में आया कि उन्होंने नगर निगम को कुछ डस्टबिन सप्लाई किए थे तो उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो शिकायत के संबंध में डीएम साहब को अवगत कराया कि डीएम साहब ने इसमें जांच समिति बनाई है। उन्हें टीडीओ साहब है और मैं हूँ एडीएम महोदय, तो इन तीनों मिलकर के जाँच है। इस संबंध में जो है नगर निगम को जो है लेटर लिखा गया कि अपनी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, उसके बाद जो उनके आख्या आ जाएगी उसके बाद उसमें जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।